अगर आपका भी इंटरेस्ट है गेमिंग में, यानी कि आपको भी गेम्स खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आप हमेशा ही अपने स्मार्टफोन पे गेम्स खेलते रहते हो, तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे YouTube चैनल्स हैं जो गेमिंग वीडियोज अपलोड करते हैं अपने चैनल पे, गेम्स खेल खेल करके अपने चैनल पे वीडियोज अपलोड करते हैं और उससे अच्छे खासे पैसे अर्न करते हैं। तो अगर आप भी ये सोच रहे हो कि अपना एक YouTube चैनल स्टार्ट करें वो भी गेमिंग नीश के ऊपर, तो उसके लिए आपको किस तरीके से चैनल स्टार्ट करना होगा, आपके स्ट्रेटेजी क्या होने चाहिए, वो सब कुछ आज की सिंगल वीडियो में हम सीखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निशांत कुमार और आप देख रहे हैं सीखो कंप्यूटर एंड टेक यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ें स्टेप बाई स्टेप सीखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि अगर आपके पास आपका स्मार्टफोन अवेलेबल है और आप उसी पे गेमिंग करते हो, यानी कि आप अपने स्मार्टफोन से ही गेम्स खेलते हो, तो आप उसी से स्टार्ट कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है, मतलब अच्छी कॉन्फ़िगरेशन वाला कंप्यूटर लैपटॉप है जिसपे आप आसानी से गेमिंग कर सकते हो, तब तो आप उससे भी गेमिंग के लिए ट्राई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास आपका स्मार्टफोन है और आप उसी से गेम्स खेलते हो, तो आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि गेमिंग चैनल को शुरू करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपके पास महंगे बजट का एक कंप्यूटर लैपटॉप होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपके पास अगर कोई स्मार्टफोन भी अच्छा सा अवेलेबल है तो आप उसी से अपना गेमिंग चैनल शुरू कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वन बाई वन करके जाननी है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और उन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। देखिए, जो भी आप गेमिंग चैनल्स देखते होंगे, तो जो भी गेमिंग चैनल स्टार्ट होते हैं, जो अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे होते हैं जब वो शुरू करते हैं, तो अधिकतर गेमिंग चैनल को आपने देखा होगा कि वो पहले तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपने गेम्स के डालते हैं, उसके जो भी चीज़ें होती हैं वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ही डालते हैं, थोड़े बहुत वॉइस ओवर कर देते हैं, उसके बाद वो अपना फेस रिवील करते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना गेमिंग चैनल किस तरीके से स्टार्ट करना चाहते हो। यानी कि अगर आप चाहो तो सिर्फ वॉइस ओवर करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भी वीडियोज अपलोड कर सकते हो अपने चैनल पे, या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट फेस दिखा करके और वहीं से गेमिंग चैनल स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि आपका फेस भी दिखे और आप किस तरीके से गेम खेल रहे हो वो गेम प्ले भी आपका एक साथ दिखे, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप गेम भी खेलो और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करो, सारी चीजें एक साथ करो, तो इसके लिए प्रॉब्लम यह है कि आपके पास एक अलग से कैमरा भी होना चाहिए। यानी कि अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप पे गेमिंग करते हो तब तो आपके लिए आसानी होगी, यानी कि कंप्यूटर लैपटॉप पे आप गेमिंग कर रहे हो, वहां पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हो और साइड में अपना स्मार्टफोन लगा दिया ट्राइपॉड के ऊपर और वहां से अपनी वीडियो को आप रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। ये चीजें आप कर सकते हो। फिर एडिटिंग के टाइम में आपके फुल स्क्रीन पे गेम चल रहा होगा, किसी कॉर्नर पे आपकी भी वीडियो चल रही होगी, यानी कि आपकी फेस वाली वीडियो, ये चीजें होती हैं। बट अगर अभी आपके पास सिर्फ आपका स्मार्टफोन है तो उसके लिए आपके पास अभी एक ऑप्शन है कि आप सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो, उसके ऊपर वॉइस ओवर करके अपनी वीडियोज क्रिएट करो, और जब आप धीरे धीरे ग्रो हो जाओगे, जब आपका चैनल ग्रो होने लगेगा, आपकी अर्निंग्स होने लगेगी, तो उसके बाद धीरे धीरे आप अपने अकॉर्डिंग सारे इक्विपमेंट्स खरीद लीजिएगा, कैमरा कंप्यूटर लैपटॉप जो भी है, उसके बाद आप ये चीजें कर सकते हो। तो अब बात करते हैं आप गेमिंग चैनल जो स्टार्ट करने वाले हो उसको किस वे में आप लेके जाना चाहते हो। यानी कि सबसे पहली बात कि आप गेम खेल सकते हो, ठीक है। यानी कि आप गेम खेल रहे हो और उसके स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो जब आप उस वीडियो की एडिटिंग करोगे, जब वहाँ पे आप जब वॉइस ओवर दोगे, तो उस टाइम आपको क्या करना है कि जो आपकी वॉइस ओवर हो उसमें फनी कमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। फनी कमेंट्स इसलिए होने चाहिए कि जो आपके व्यूअर्स है जब आपकी वीडियो देखने आएंगे तो आपका गेम प्ले देखेंगे, उसके साथ साथ वो एंजॉय करते हैं आपकी वीडियो को, अगर आपके वीडियो में फनी कमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों को क्रिएट करना है और इन चीज़ों को सीखने के लिए बहुत सारे ऑलरेडी यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल हैं जो गेमिंग करते हैं, तो उनसे आप थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि इन चीज़ों को किस तरीके से आप अपनी वीडियो में अप्लाई कर सकते हो। बट सिर्फ उनकी वीडियोज देख करके आपको एक नॉलेज लेना है, ठीक है। बट इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको अपना दिमाग लगाना है, यानी कि आप किस तरीके से उन चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हो, उनसे और बेहतर कर सकते हो, उनसे और यूनिक तरीके से उस चीज़ को आप लोगों के सामने रख सकते हो, तो वो तरीका सबसे बेस्ट है। यानी कि आपका जो तरीका, आप अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को जितना यूनिक बनाओगे वही चीज़ सबसे परफेक्ट होगी और वही आपके चैनल को आगे ले जाएगी। अब दूसरी चीज़ की बात कर लेते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स की। यानी कि अगर आपका गेमिंग चैनल है, यानी कि आपने गेमिंग चैनल स्टार्ट कर दिया, तो उस पर आप गेम खेलने के साथ साथ टिप्स एंड ट्रिक्स की भी जानकारी दे सकते हो। यानी कि किसी भी गेम के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उन गेम्स में आप बता सकते हो कि किस गेम में कौन से ट्रिक्स आप यूज करोगे, तो इस तरीके से वो चीज़ें वर्क करती हैं। तो अगर आपके पास इन चीज़ों का नॉलेज है या फिर आप इंटरनेट वगैरह कहीं से भी इसका इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हो, तो आप ये चीज़ें भी अपने वीडियोज़ के अंदर बता सकते हो, किसी गेम के टिप्स एंड
ट्रिक्स को भी आप अपने वीडियो के अंदर बता करके लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। अब तीसरी जो चीज़ है वो है गेमिंग स्टोरी एंड एंटरटेनमेंट, यानी कि जो भी गेम आप खेल रहे हो तो आप बता सकते हो कि वो जो गेम है उसकी कहानी क्या है, उस गेम में जो आप चीज़ कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, उसमें जो विलेंस है वो क्यों है, मतलब उनकी सारी चीज़ें। जिस तरीके से आपने देखा होगा जो टेक्नो गेमर्स का चैनल है तो वो जब अपने गेम प्ले करते हैं तो वो उस टाइम सब कुछ बताते हुए अपने गेम प्ले को करते हैं, उस गेम की मेन कहानी क्या है, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो उस गेम में बताते जाते हैं और उसके साथ साथ वो कंटिन्यू गेम प्ले भी करते हैं। इससे लोग एंटरटेन होते हैं, उनको लगता है कि वो एक मूवी देख रहे हैं और एक वर्चुअल दुनिया के अंदर वो रियल चीज को फील कर पाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप भी कर सकते हो, यानी कि जो भी गेम आप खेल रहे हो तो उसकी बैक स्टोरी क्या है, किस तरीके से वो चीजें हो रही हैं उस गेम के अंदर, उन चीजों को भी आप गेम प्ले करने के साथ साथ बता सकते हो। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो आप अपने चैनल पे कर सकते हो गेमिंग न्यूज, यानी कि अगर आप चाहो तो एक चैनल ऐसा भी क्रिएट कर सकते हो जिस पे आप सिर्फ गेम्स से रिलेटेड न्यूज बताओ, यानी कि नए नए अपडेट्स, किस गेम में कौन से अपडेट्स आने वाले हैं, कौन सा गेम कब लॉन्च होने वाला है, किसी गेम का कोई नया वर्जन अगर आ रहा है तो वो कब आने वाला है, इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ भरी पड़ी हैं। और जो लोग गेम पसंद करते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो उनको इस तरह के अपडेट्स हमेशा ही अच्छी लगती है और आपको भी अच्छी लगती होगी अगर आप गेम प्ले करते होगे। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो सिर्फ इस नीश पे भी एक अपना चैनल क्रिएट कर सकते हो जिस पे आप सिर्फ गेमिंग रिलेटेड अपडेट्स बताओ कि कौन सी गेम कब आ रही है, कब लॉन्च होने वाला है, नए अपडेट्स में क्या क्या चीजें होंगी, ये सब कुछ आप अपनी उस वीडियो में बता सकते हो। इसी के साथ साथ आप एक ऐसा चैनल भी क्रिएट कर सकते हो जिस पे आप गेमिंग कंसोल के बारे में बताओ, या फिर जो आपका ऑलरेडी गेमिंग चैनल है उस पे भी ये चीज़ें बता सकते हो कि किस गेम को खेलने के लिए कौन से इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। आप उनको बता सकते हो कि हाँ अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर ये चीज़ें अवेलेबल हैं जो आपको गेम खेलने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, कंप्यूटर्स के बारे में बता सकते हो आप, लैपटॉप्स के बारे में बता सकते हो कि कौन सा लैपटॉप गेमिंग के लिए बेस्ट है, इनके ऊपर भी आप कभी कभी अपने चैनल पर वीडियोज अपलोड कर सकते हो, क्योंकि जो लोग गेम खेलते हैं जिन्हें गेमिंग पसंद है वो भी आकर के सर्च करते हैं कि कौन सा लैपटॉप लिया जाए, कौन सा प्रोसेसर लिया जाए, या फिर गेमिंग से रिलेटेड और कौन से कंसोल है जो लिया जाए जिनसे हम गेमिंग अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो आप टाइम टाइम पे इन चीज़ों के ऊपर भी वीडियो क्रिएट करके अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हो। अब जब आप अपना गेमिंग चैनल स्टार्ट कर देते हो, जब आप गेम खेलना शुरू कर रहे हो तो आपके जो फेवरेट गेम है वहीं से शुरू करो, यानी कि आपका जो फेवरेट गेम है आप उस गेम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेलते होगे। ठीक है, उस पर आपका हाथ बैठा हुआ है, आपकी पकड़ है उसके ऊपर, तो आप पहले वहीं से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे आप दूसरे गेम्स में एंट्री करो। ठीक है, इस तरीके से आपका एक एक्सपीरियंस बन जाएगा कि किस तरीके से कौन सी चीज़ें करनी है आपको अपने चैनल के ऊपर, तो उसके अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें करोगे। ठीक है, और यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप अगर गेमिंग चैनल स्टार्ट करने जा रहे हो तो अपने गेमिंग स्किल्स को आप जितना बेहतर रखोगे उतनी मज़ेदार वीडियो आप क्रिएट कर पाओगे और अपने ऑडियंस को एंटरटेन कर पाओगे और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप जो भी गेम प्ले करने जा रहे हो, जो भी गेम्स खेलने जा रहे हो, उसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है, यानी कि जो भी आप गेम खेलने वाले हो उसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे आप उसमें उतने ही बेटर बनते जाओगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस यहाँ पे करते रहना है ताकि आपका जो चैनल है उसको आप अच्छे तरीके से ग्रो कर सको, उसको आगे तक आप ले जा सको। अब इन चीज़ों के साथ साथ एक चीज़ आपको और करनी है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आपको गेमिंग नॉलेज गेन करना है, यानी कि गेमिंग से रिलेटेड जो भी वेबसाइट्स गूगल के ऊपर अवेलेबल है, इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, तो उन पे हमेशा ही आर्टिकल्स आते रहते हैं कि किस गेम में किस तरह की चीजें आने वाली हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं। तो अगर आपके पास जब भी टाइम मिलता है तो आप टाइम निकाल करके उन वेबसाइट्स पे जाकर के उन गेमिंग आर्टिकल्स को भी पढ़ लिया कीजिए ताकि आपके पास इन्फॉर्मेशन अच्छी खासी हो, भर भर के इन्फॉर्मेशन हो, ताकि जब आप अपनी कोई भी वीडियो क्रिएट कर रहे हो गेमिंग से रिलेटेड किसी भी टॉपिक को आप बता रहे हो, मान लीजिए कि आप किसी गेम के बारे में ही बता रहे हो, तो जब आप बता रहे हो तो उसमें आपको हर एक चीज़ अच्छे से बतानी है कि ये गेम किस तरीके का है, इसमें किस तरीके से आप खेल पाओगे, सारी चीज़ें आप किस तरीके से कर पाओगे, वो सब कुछ आपको वन बाई वन अच्छे तरीके से करके बताना होगा ताकि आप अपने ऑडियंस को अच्छे तरीके से अपने वीडियो पे बांध कर रख सको। ठीक है, तो इसके लिए आपको उस गेम के बारे में या फिर गेम से रिलेटेड
रिलेटेड जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड सारी जानकारी वन बाई वन यानी कि एक एक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि जो भी व्यूवर्स आपके चैनल पर आएंगे और उनको सब कुछ एक ही वीडियो में मिल जाएगा तो उन्हें लगेगा करीब ये तो बहुत ही अच्छा चैनल है, फटाफट आपको सब्सक्राइब भी करेंगे और वो आपके हमेशा के लिए सब्सक्राइबर बन जाएंगे। तो आपकी जो नई वीडियोज भी आएगी उससे आपका बहुत बड़ा फायदा होगा। तो इस चीज़ को आपको हमेशा ही ध्यान में रखना है कि अपनी गेमिंग स्किल्स को, अपनी गेमिंग नॉलेज को हमेशा ही बढ़ाते रहना है। तो अगर आप भी अपना गेमिंग चैनल बना रहे हो तो उस पर अच्छे तरीके से आपको रेगुलर वर्क करना है, कंसिस्टेंट रह के वर्क करना है और परफेक्ट वे में वर्क करना है, ठीक है, ताकि आपका चैनल भी फटाफट ग्रो हो सके और आप भी अपने चैनल से अच्छी खासी अर्निंग कर सको। अब ये सारी चीज़ें जब हो जाती हैं तो अब हम बात कर लेते हैं वीडियो के एडिटिंग की, ठीक है। तो जब आप वीडियो की एडिटिंग कर रहे हो, आप अपनी वॉइस ओवर दे रहे हो या फिर जब आप गेम प्ले कर रहे हो उसी टाइम बोल रहे हो, तो दोनों ही कंडीशन में लाउड बोलना है, ठीक है, लाउड बोलना है। दूसरी चीज़, फनी कमेंट्स करते हुए बोलना है, यानी कि आपको इस तरीके से उसमें बोलना है, उस तरीके से आपकी उसमें आवाज़ होनी चाहिए जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके। जिस तरीके से आप अदर लोगों की वीडियोज़ देखते हो तो वो बोलते हैं, वो जो भी चीज़ें बताते हैं, वो गेम खेलना ही क्यों ना सिखा रहे हो या फिर गेम प्ले कर रहे हैं और उसमें एंटरटेन कर रहे हैं आपको, तो वो चीज़ें हमें पसंद आती हैं बहुत ही ज़्यादा। तो इसी तरीके से आप भी जब अपना वीडियो क्रिएट कर रहे होगे गेमिंग रिलेटेड, तो उसमें आपको वॉइस ओवर भी अच्छे तरीके से करना है या फिर आप डायरेक्ट गेम प्ले करते टाइम वॉइस दे रहे हो तो उस टाइम भी आपको अपने माइंड में ये रखना है कि आप फनी कमेंट्स करने के साथ साथ अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को डिलीवर करो, या फिर आप गेम खेलना बता रहे हो उसके स्टोरी भी बता रहे हो तो इस तरीके से आपको बताना है ताकि लोग आपके तरफ अट्रैक्ट हो सके। और जब आप गेमिंग वाली वीडियो को एडिट करोगे तो उस टाइम आपको क्या करना है कि जब आप गेम खेलते रहते हो तो उस गेम के अंदर कुछ एक बेकार पार्ट्स भी होते हैं, तो जो भी फालतू के क्लिप्स होंगे उनको वीडियो में छोड़ना नहीं है, उनको कट करके अलग कर देना है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरी चीज़ ये करनी है कि आपके गेमिंग्स के जो भी आप जो गेम खेल रहे हो उसका जो बेस्ट पार्ट, सबसे बेस्ट पार्ट होगा, यानी कि किसी भी मतलब कि जो भी आप गेम खेल रहे हो, बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो चीज़ें बहुत ही परफेक्ट हो जाती है गेम खेलने के टाइम। मान लीजिए कि आप पबजी ही खेल रहे हो और आप किल कर रहे हो तो आपने विद इन सेकेंड्स या फिर विद इन मिनट बहुत सारे किल्स कर दिए, तो उस तरह के सीन्स अगर आपके गेम में रिकॉर्ड हो रहे हैं तो उन सीन्स को आपको क्या करना है कि शॉर्ट्स वीडियोज के रूप में क्रिएट करके अपने चैनल पर अपलोड कर देना, यानी कि 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट का एक वीडियो भी उसी में से निकाल करके अपलोड करना है ताकि आपके वीडियो पे रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आ सके, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियोज की रीच ज़्यादा है। तो इसलिए कभी कभार आप अपने गेम्स में से बेस्ट पार्ट को चुन करके उसको शॉर्ट्स फॉर्मेट में अपने चैनल पर जरूर अपलोड कीजिएगा। अब ये सारी चीज़ें जब हो जाती हैं तो इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका थंबनेल, यानी कि आप जो भी थंबनेल बनाओ उसको थोड़ा सा कैची बनाओ, थोड़ा सा गेमिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी आप गेम प्ले कर रहे हो तो उसकी कुछ एक ऐसी फुटेज आपको अपने थंबनेल पर लगाना है, कुछ ऐसी पिक्चर्स लगानी है जिस जो चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप थंबनेल बनाओगे तो उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है, ठीक है। तो अपने स्मार्टफोन से अट्रैक्टिव थंबनेल किस तरीके से बनाते हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, लिंक उस वीडियो की आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप अपनी गेमिंग वीडियो को वॉइस देकर के बना रहे हो यानी कि अपनी वॉइस ओवर कर रहे हो उस वीडियो के ऊपर, तो अपनी वॉइस को अपने स्मार्टफोन से ही आप किस तरीके से एडिट कर सकते हो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। वीडियो एडिटिंग से भी रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई है, उन वीडियोज़ की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो वीडियो जब एंड होगी तो उन वीडियोज़ को एक बार जरूर देख लीजिएगा ताकि आप भी अपनी गेमिंग वीडियोज़ को अच्छे से एडिट कर सको, अच्छे से वॉइस ओवर कर सको और अपने चैनल पर अपलोड कर सको ताकि आपका चैनल फटाफट ग्रो हो सके। तो मेरे तरफ से आपके इस नए गेमिंग चैनल के लिए ऑल द बेस्ट। और गेमिंग रिलेटेड यानी कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो में जो भी गेमिंग रिलेटेड जो भी चीज़ें बताई हुई हैं, इन चीज़ों के अलावा और भी किसी भी तरीके के सवाल रह जा रहे हैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर किसी भी अदर टॉपिक से रिलेटेड या फिर आपको और भी किसी भी अदर नीच के ऊपर फुल ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको उन टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बना करके जरूर दूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।